जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर दें और सम्मान की प्रक्रिया में आदरणीय एक बार सम्मान करेंगे मनोज कुमार मनोज जी का। आगे आ जाइए मंच के। चंद्रमणि जी, रीता जी, सभी लोगों से मेरा अनुरोध कि इस बड़े गीतकार का सम्मान करेंगे, ये हमारे लिए सम्मान का विषय है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शख्स के लिए। आदरणीय त्यागी जी से मेरा अनुरोध। पथिक जी, आदरणीय से मेरा अनुरोध है। गुलदस्ता, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। भारतवर्ष नहीं, अगर देश विश्व के तमाम देशों का नाम जहां भारतीय रहते हैं तो वहां मनोज कुमार मनोज पहुंचते हैं। बहुत बड़ा हिंदी का नाम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। कुछ क्षणों बाद हम मनोज जी को सुनेंगे भी। इसके बाद हमारे बीच में ओज के हस्ताक्षर पथिक जी, एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। श्रीमन जी, सभी आदरणीय मनोज कुमार मनोज जी भी मैं चाहूंगा इस क्रम में हूं। हमारे बीच में अशोक कश्यप जी, अभी उनकी जानदार कविता आपने सुनी है और जानदार प्रसंग भी सुना है आप लोगों ने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। जोरदार तालियां होती रहें। सभी अतिथिगण अपना स्थान ले लें। मनोज कामदेव जी, बड़े भाई मनोज कामदेव जी, आपने उनके शानदार दोहे सुने हैं। एक बार सदन जोरदार तालियों से स्वागत कर दे।
और देश नहीं विदेशों में उनका काम उनके काम को सराहा जाता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अशोक ज्योति जी की उपस्थिति हमारे बीच में है, आदरणीय से अनुरोध कि वो मंच पर अपना स्थान ले। सर प्लीज, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप हमारा मंच साझा कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में गंतव्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद त्यागी जी की उपस्थिति है, वो मंच पर विराजमान हैं। हालांकि किसी कार्यक्रम को वो अधूरा छोड़कर जाते नहीं हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिससे उन्हें निकलना है, तो मैं चाहूँगा आदरणीय से एक बार वो मंच पर आएं और अपनी बात कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये शख्स इज अ मैन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन साथियों, मैं माफी चाहता हूँ कि बीच में उठ के जा रहा हूँ। मैं मेरी ऐसी मंशाएं कभी नहीं रहती, पर कुछ मजबूरी है तभी मुझे जाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले चंद्रमणि भाई से बात हुई, रीता पात्रा जी ने जिक्र किया कि भाई जी, हम लोग एक ऐसा साझा मुहिम छेड़ना चाहते हैं कि जिसमें सब मिलजुल के काम करें। उड़ीसा के जो नौजवान पत्रकार चित्रकार लोग हैं, जो भी समाज में अपना योगदान अपने अपने स्तर पर देते हैं, उन सब लोगों को एक साझा मंच मिले, साझी बात बने। और जिस प्रकार से दूसरी परिषदें काम कर रही हैं, दूसरी अकादमियां काम कर रही हैं, उसी तरह की एक उड़िया अकादमी का भी गठन दिल्ली के अंदर हो। तो मैंने कहा कि भाई, किसी और की गारंटी तो नहीं देता, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। जिस वक्त भी आप मुझे बुलाओगे उस वक्त मैं हाजिर हूँ। हमारे युवा हस्ताक्षर आशीष जी को दिल्ली का दायित्व हम लोगों ने गंतव्य में दिया हुआ है। इनसे ये भी साथ में तय हुआ था कि जितने भी नौजवान गीतकार कवि हैं, उन सबको इकट्ठा करने का काम करें, क्योंकि हम लोग तो चला चली गए हैं, अगले पड़ाव की तरफ हैं। चंद्रमणि भाई हुए, हम हुए, हाँ अच्छा, अभी एक अभी नहीं तो ये नालायकी करते रहते हैं बीच बीच में। हम छोटे हैं, क्योंकि बबली जी तो मोटी भी हैं और बड़ी हुई हैं हमारे से, और गुजराती में तो मोटी को मोटा ही कहा जाता है, पर ये बड़ी बड़ी वाली मोटी है हमारी। तो जब इनमें ऊर्जा और स्फूर्ति सारी की सारी है, तो रीता पात्रा जी से हमने कहा कि रीता जी, बहुत अच्छी मंशा है आपकी कि आपने कम से कम अपने प्रदेश के लोगों के लिए ये तो सोचा कि हम एक ऐसा साझा मंच तैयार करें कि अगर वो यहाँ पे आए तो उनको अपने कहने वाले नॉर्थ इंडियंस भी आपके साथ खड़े। तो हमारा विश्वास तो, क्योंकि हम मजबूत हैं, हमें पता है कि हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आप लोगों से भी मैं एक वादा चाहता हूँ। वादा सिर्फ यही है कि सिर्फ अपनी अपनी गारंटी लें, दुनिया की गारंटी मत लीजिए। जो जो अपनी गारंटी पे खरा उतर जाएगा तो ये बात जो है वो परवान चढ़ जाएगी। बाकी धन्यवाद, आप सब लोग इतने इतने प्यार से बात सुनी, और मेरे जैसे नालायक को माइक मिल जाए तो छोड़ने का दिल नहीं करता। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज के लिए मुझे बेवफाई पर मुझे माफ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद त्यागी जी। उनको निकलना है किसी कारणवश। दोस्तों, हमारे बीच में श्रीमान वी के सिंह जी की उपस्थिति है। एक बार ये सदन जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दे। वो आकर पीछे बैठ गए हैं चुपचाप। किसी शायर ने कहा कि सर झुकाओगे तो पत्थर का देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं अपना, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दोस्तों, हमारे बीच में श्रीमान समीर दहलवी जी की उपस्थिति है। ये सदन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दे।
नमस्कार, आदाब। एक गजल पेश करता हूँ। मुस्कुराकर वो हाल पूछते हैं, मुस्कुराकर वो हाल पूछते हैं, वजह रंजो मलाल पूछते हैं। मुस्कुराकर वो हाल पूछते हैं, वजह रंजो मलाल पूछते हैं, अपने बिस्मिल से हाल पूछते हैं। कितना मुश्किल सवाल पूछते हैं, अपने बिस्मिल से हाल पूछते हैं, कितना मुश्किल सवाल पूछते हैं। आज मुझको जरा जो खुश देखा है ये किसका कमाल पूछते हैं। आज मुझको जरा जो खुश देखा है ये किसका कमाल पूछते हैं। जिंदगी इतनी मुजमहल क्यों है, जिंदगी इतनी मुजमहल क्यों है, करके जीना मुहाल पूछते हैं। जिंदगी इतनी मुजमहल क्यों है, करके जीना मुहाल पूछते हैं। आप जब साथ में नहीं होते, आप जब साथ में नहीं होते, लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं। आप जब साथ में नहीं होते, लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं। मैं तो तुम में भी उसे देखता हूँ, मैं तो तुम में भी उसे देखता हूँ, अगर मेरा ख्याल पूछते हैं। मुस्कुराकर वो हाल पूछते हैं, वजह रंजू मलाल पूछते हैं। शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज चांद सितारे भी मेरे साथ में रहे, जब तरक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे, और साख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। दोस्तों, ओझ का बड़ा नाम, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ माहौल बने। अरविंद पथिक जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। ये उनके हिस्से के लिए तालियाँ कम थी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। उनका तेवर आप अभी देखेंगे, सुनेंगे। मित्रों, मैं तो बहुत आराम से बैठा हुआ था, इन्होंने सम्मान वगैरह भी आशीष ने कर दिया, चंद्रमणि जी ने। सोच रहा था कि 1997-98 में मैंने कहीं दिल्ली में पहली बार किसी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी थी, और अब तो 2018 आ गया है, तो बरसों के हिसाब से तो मैं भी पुराना हो गया हूँ। तो मैं बड़े आराम से बैठा था, मुझे उम्मीद थी कि अभी मेरे कई पुराने साथी पुराने मित्र यहाँ हैं, वो कविता पढ़ेंगे, फिर मेरा नंबर आएगा। पर मैं सचिन तेंदुलकर जैसे पहले बैटिंग किया करते थे कि एक लंबे दौर तक उन्होंने ही क्रिकेट में राज किया, वैसे मुझे भी इस कविता के पिच पर राज करने का अवसर प्रदान किया, और आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त से मेरा परिचय बहुत पुराना है, और इनकी शख्सियत के बड़े आयाम हैं। और व्यक्ति अपने आप में संस्था होता है, संस्थाएं कुछ नहीं होती, कोई व्यक्ति ही संस्था को बड़ा बनाता है। अगर गांधी नहीं होते तो कांग्रेस शून्य हो जाती, अगर डॉक्टर हेडगेवार नहीं होते तो राष्ट्रीय सेवक संघ की आप संकल्पना नहीं कर सकते थे। तो एक व्यक्ति होता है, जब वो खड़ा हो जाता है तो संस्था बन जाती है, कोई भी संस्थान बन जाता है। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त के लिए मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दीजिए। इनकी प्रतिभा के इतने आयाम हैं कि चाहे वो किसान परिषद के माध्यम से हो या साहित्य के